नौ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8, यहाँ पर 3/8 होगा, 3/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के, लड़कों की संख्या का 1/3 दस वर्ष से कम है, और लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग भी 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि विद्यालय में छात्रों की संख्या जो है वो 3/8 भाग लड़कियां हैं। अगर विद्यालय में एक लड़के हैं तो उसका 3/8 भाग लड़कियां हैं, तो छात्र कितने हो जाएंगे, लड़के कितने हो जाएंगे, बॉय कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉय कितने हो जाएंगे, 1 - 3/8, 3/8 बराबर ये हो जाएगा 5/8। इसके बाद बोल रहा है कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, तो 10 वर्ष से कम लड़के, 10 वर्ष से कम लड़के कितने हो जाएंगे, तो 1/3 बोल रहे, 1/3 × 5/8 इक्वल्स टू 5/24। अब लड़कियां लड़कियों की संख्या भी 2/3 है 10 वर्ष से कम, यानी कि दो जो दो बटा और 2/3 जो लड़कियों की संख्या है वो भी 10 वर्ष से कम है, तो 10 वर्ष से 10 वर्ष से कम लड़की, 10 वर्ष से कम लड़की कितनी है, 2/3 × 5 है 3/8, ये हो 6/24 इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 10 वर्ष से नीचे छात्र कितने हुए, टोटल जो है स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट 10 वर्ष से नीचे टोटल कितने हो जाएंगे, 10 वर्ष से कम, मैं यहाँ पर 10 वर्ष से कम स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 5/24 प्लस 1/4 11/24, इतने स्टूडेंट टोटल हो गए जो कि 10 वर्ष से कम है। तो 10 वर्ष से ऊपर कितने हो गए, 10 वर्ष से ऊपर, 10 वर्ष से ऊपर टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 10 वर्ष ऊपर कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 1 - 11/24 इक्वल्स टू 13/24, इतने जो स्टूडेंट है वो 10 वर्ष से ऊपर है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला है कि यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है, यानी कि 10 वर्ष से ऊपर छात्रों की संख्या कितनी है, 260, तो 260 × 13/24, सॉरी 260 यानी कि 13/24, 13/24 के वैल्यू दिया है कितना, 260, तो एक के वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 × 26 और 24 × 48 480, 480 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 10 वर्ष से ऊपर है या फिर 10 वर्ष के, कितने, 480 स्टूडेंट। अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5/8 है, कितनी है लड़कों की संख्या, 5/8 है, तो 480 का 5/8 हम निकाल लेंगे, 5/8 × 480 ये हो जाएगा 48, 60 बार में जाएगा और ये आपका 300, 300 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल लड़के कितने हैं विद्यालय में, 300 है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हमने किया क्या है, एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने नंबर ऑफ बॉयज निकाले, क्योंकि हमने क्वेश्चन में दिया है कि छात्रों की संख्या का 3/8 भाग जो है वो लड़कियां हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज हमने निकाला, वो 1 - 3/8 किया तो हमने 5/8 गया लड़कों की संख्या। अब 10 वर्ष से कम लड़के कितनी है, 1/3 जो लड़के हैं वो 10 वर्ष से कम है, तो 1/3 × 5/8 इक्वल्स टू 5/24, 5/24 जो लड़के हैं वो 10 वर्ष से आपके कम है, 10 वर्ष से कम है 5/24। इसके बाद क्या बोला कि 10 वर्ष से कम लड़की कितनी है, 10 वर्ष से कम लड़की कितनी है, 10 वर्ष से कम लड़की कितनी है, 2/3 भाग जो है 10 वर्ष से कम लड़की है, 2/3 × 3/8 इक्वल टू 6/24 यानी कि 1/4 आ गया। अब यहाँ पर आप टोटल निकाल दीजिए, टोटल हमने क्या निकाला कि 10 वर्ष से कम कितने लड़के और लड़कियाँ हैं टोटल, तो ये आ गया 11/24, 11/24 ऐसे लड़के हैं जो 10 वर्ष से कम या फिर 10 वर्ष से कम है लड़के और लड़कियाँ, और टोटल 10 वर्ष से ज़्यादा कितने हैं, तो ये आपका 1 - 11/24 इक्वल टू 13/24 छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो कि 10 वर्ष से अधिक है। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 10 वर्ष या उससे अधिक वायु आयु वाले छात्रों की संख्या है 260 हमको दिया गया है, तो 13/24 के वैल्यू हमको क्या दिया गया है, 260 दिया गया है, तो एक के वैल्यू कितना आ जाएगा, 480, 13 × 26 और ये 20 बार में जाएगा, 24 × 48 यानी कि 480 आ जाएगा। अब हमसे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि लड़कों की संख्या कितनी है विद्यालय में,
लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या हमने यहाँ पर निकाला 5/8 है, तो 5/8 इंटू 480 तो हमारा आ गया 300। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।